नई एविएशन पॉलिसी से एयरलाइंस कंपनीज और यात्री दोनों को फायदा होगा। यात्रियों को एयरलाइंस कंपनियां जो शिकायतें थी उसे नई पॉलिसी में दूर करने की पूरी कोशिश की गई है। नई एविएशन पॉलिसी का इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था। एयरलाइंस के खिलाफ यात्रियों की बढ़ती शिकायतें और खुद एयरलाइंस की अपनी तकलीफें भी कम नहीं थी, लिहाजा नई एविएशन पॉलिसी एयरलाइंस और यात्रियों दोनों के लिए वरदान साबित हो सकती है। नई एविएशन पॉलिसी में यात्रियों की टिकट बोर्डिंग संबंधी दिक्कतों को दूर करने की कोशिश की गई है। नई पॉलिसी लागू होने के बाद यात्रियों को घरेलू उड़ान की टिकट कैंसिल कराने पर रिफंड 15 दिनों के अंदर मिल जाएगा, जबकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई टिकट कैंसिल कराने पर 30 दिन के अंदर रिफंड मिलेगा। एविएशन कंपनी अगर कोई फ्लाइट रद्द करती है तो उसे इसकी सूचना ग्राहकों को 2 घंटे पहले देनी होगी और पूरा रिफंड भी करना होगा। अगर कोई यात्री अपना टिकट कैंसिल करवाता है तो कैंसिलेशन चार्ज 200 रुपये से ज़्यादा वसूला नहीं जा सकता। वहीं विमान में ओवरबुकिंग होने पर अगर यात्री को सवार नहीं होने दिया जाता तो इसका मुआवजा बढ़ाकर 20,000 रुपये तक कर दिया गया है। उड़ान के वक्त से 24 घंटे के अंदर फ्लाइट कैंसिल होती है तो मुआवजे की रकम 10,000 रुपये तक होगी। 15 किलो लगेज के बाद 5 किलो लगेज तक के लिए 100 रुपये प्रति किलो से ज़्यादा चार्ज नहीं लिया जा सकेगा। नई एविएशन पॉलिसी के जरिए देश में एविएशन सेक्टर को दुरुस्त करने की कोशिश की गई है। पॉलिसी के तहत 2022 तक 30 करोड़ घरेलू यात्रियों को, 2027 तक 50 करोड़ घरेलू यात्रियों को और 2027 तक 20 करोड़ अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को सेवा देने का लक्ष्य है। 2014-2015 में घरेलू यात्रियों की संख्या करीब 14 करोड़ और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की संख्या 5 करोड़ से ज़्यादा थी। जाहिर है नई एविएशन पॉलिसी मंजूर होने के बाद हवाई यात्रियों को काफ़ी फायदा होगा और एयरलाइंस की मनमानी पर रोक लगेगी। समीर दीक्षित, जी मीडिया। तो चलिए, इससे यात्रियों को तो जरूर फायदा होगा, लगातार हम आपको बता रहे हैं। लेकिन अब कनू गोहेन जी, आप थोड़ा सा एयरलाइन कंपनीज के कॉन्टेक्स्ट में आप जानना चाहेंगे कि लगातार वो मांग करती आई थी कि फाइबर 20 जो रूल है उसको बिल्कुल खत्म किया जाए, लेकिन यहाँ सरकार की तरफ से इस पॉलिसी में थोड़ी सहूलियत तो दी गई है, 0/20 कर दिया गया, लेकिन 20 विमानों की शर्त रखी गई। तो क्या ये मुनासिब नहीं था कि इस रूल को पूरे तरीके से ही खत्म किया जाए, तो एविएशन कंपनीज इसको और ज़्यादा वेलकम करती? नहीं, देखिए, पहले 520 था, अभी 020 हुआ है। ये जो प्रोसेस है ये ग्रेजुअल होनी चाहिए। दूसरी बात ये है, हमारी सरकार की ये जो पॉलिसी है इसका ऑब्जेक्टिव है कि पूरी भारत में हमारी एयरलाइंस की कनेक्टिविटी होगी और जो रिमोट एरियाज में है, रीजन्स में है, वो मेन लैंड को अपना एयर सफ़र कर सकते हैं। उसको प्राधान्यता देने के बाद आपको जब 20 जहाज हो जाती है जी, तो आप अपना जो शेड्यूल्स होते हैं देश के अंदर में वो नहीं हिंडर्ड होगा, और तब जो आपका एक्स्ट्रा कैपेसिटी है वो आप बाहर में चला सकते जी, जी, आप बने तो रही मैं मानता हूँ जी, 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 हर्षवर्धन जी, चूंकि वक्त की कमी है, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अब इस पॉलिसी के आने के बाद ये बताइए कि ये जो एयरलाइन कंपनी आई, इससे पहले दलील देती आई थी कि कुछ जगह उड़ाने वो नहीं भरेंगी क्योंकि वहां पर किसी तरीके का कोई बिजनेस नहीं है, घाटे में जाएंगी, तो अब ऐसे में इस पॉलिसी के बाद क्या प्रोग्रेस आप इसमें देखेंगे? देखिए, जो नॉन वायबल सेक्टर्स हैं उनमें वायबिलिटी गैप फंडिंग एक बहुत अच्छा स्टेप है, और इससे उन सेक्टर्स में सबसे पहली बात तो है कि नई एयरलाइंस जो हैं उन सेक्टर्स में जाने के लिए एनकरेज होंगी, और बहुत जल्दी जो है आप देखेंगे कि कुछ छोटे जहाज और नए नए सेक्टर्स खुलने शुरू हो जाएंगे। तो ये एक पॉजिटिव स्टेप है, और इससे एयरलाइंस को कॉन्फिडेंस होगा कि जिन सेक्टर्स में ट्रैफिक कम है उसका गेस्टेशन पीरियड का जो लॉस है वो सरकार दे रही है, तो वो एक बहुत ही अच्छा एक प्रयास है, और इसका फ़ायदा, इसके दूरगामी परिणाम है, इंडस्ट्री में बहुत जल्दी से ग्रोथ आएगी जी, बहुत जल्दी इंडस्ट्री में ग्रोथ आएगी। जितेंद्र भार्गव जी, आपसे जानना चाहूंगी कि पीक सीजन की बात करते हैं, वहां पर जब एयरलाइन कंपनियां किराया ज्यादा बढ़ा देती थी, तो ऐसे में अब ये जो पॉलिसी में बदलाव किया गया है घंटे सफर के लिए, आधे घंटे सफर के लिए, तो ये किस तरीके से इम्पैक्ट डालेगा उस समय? देखिए, पहले तो मैं एक चीज क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि ये जो 2,500 एक घंटे का फ्लाइंग का कैपिंग की गई फेयर का, ये रीजनल कनेक्टिविटी का है, पुणे मुंबई फेयर के लिए नहीं होगा, ये उन एयरपोर्ट्स के लिए किया गया है जहां पर लोकल सरकार
एयरपोर्ट चलाने में मदद करेगी, एटीएफ प्राइस में सेल टैक्स केवल 1% रखेगी, सिक्योरिटी वो प्रोवाइड करेगी। जैसे कि एयरलाइन का जो कॉस्ट देना पड़ता है, अगर आप अपने टिकट को अगर देखें तो उस टिकट में दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो जो एयरलाइन के पास जाता है और दूसरा जो सरकार के पास जाता है। तो जब उन एयरपोर्ट्स के अंदर में, रीजनल एयरपोर्ट्स के अंदर जब ये नहीं जाएगा, तब ये किराया जो होगा 2500 रुपया एयरलाइंस चार्ज कर सकेंगे, उसमें कैप लगाया गया है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण क्लैरिफिकेशन है आपके दर्शकों के लिए। लेकिन जैसे आपने खुद अपने एग्जांपल से बताया कि दिल्ली अमृतसर, दिल्ली लखनऊ, बहुत सारे सेक्टर्स हैं जहां पे इस समय भी 2500 से कम का किराया है, तो कोई कारण नहीं है कि जब ये कंसेशन मिलेंगे तो एयरलाइंस काफी अच्छी तरह से अपना नुकसान, जो ऑपरेशनल कॉस्ट है, उसको रिकवर कर पाएंगी। ये जरूरी है कि इन एयरलाइंस को अब छोटे विमान खरीदने की आवश्यकता होगी, क्योंकि अधिकतर जो रीजनल कनेक्टिविटी है वहां पे एयर स्ट्रिप छोटी होगी, लोड कम होंगे, हो सकता है 20, 25, 30 पैसेंजर वाले विमान जो है उनको लेना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने पहले बताया, एविएशन पॉलिसी एक महत्वपूर्ण डिसीशन हुआ है आज एविएशन सेक्टर के लिए, भारत के हित में है और एविएशन सेक्टर को नई डायरेक्शन मिलेगी। और जैसे कि पैसेंजर ग्रोथ के अंदर में इंडिया सबसे आगे है, कोई कारण नहीं है कि इंडिया 2022 तक तीसरे नंबर पर नहीं आए, और 2030 तक जैसे कि एविएशन पॉलिसी में कहा गया है, दुनिया का नंबर वन एविएशन मार्केट बन जाएगा। जी, तो ये जो पॉलिसी आई है इससे दुनिया का नंबर वन एविएशन मार्केट आने वाले दिनों में जरूर बन सकता है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का हमसे इस बातचीत में जुड़ने के लिए।